22वां अध्याय, बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए, बड़े धैर्य से बोले। दैत्यराज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है, क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूं, आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है, मैं पाश में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड जो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृदय भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, पर आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन कुलीनता बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं? अनन्य भाव से योग करने वाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है। जिनकी ऐसी महिमा ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और जो वरुण पाश से बांध रहे हैं, इनकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा है। प्रभो, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है, वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे, उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है, जब ये एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थी क्या है, पत्नी से भी क्या लाभ है, जब वो जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है तब घर से मुंह करने का क्या स्वार्थ, इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने, ये जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय रहित और अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी, क्यों ना वे संसार से परम विरक्त अगाध बोध संपन्न उदार हृदय और संत शिरोमणि जो हैं। आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और ये नहीं समझ पाता कि मेरा ये जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ है और अनित्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण पाश में बंधे हुए हैं, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चक्षल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया, उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान वहीं विराजमान हैं और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए, वे आनंद पूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो, आपने ही बलि को ये ऐश्वर्य पूर्ण इंद्रपद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया है,
आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूं कि आपने इस पर भारी कृपा की है। जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी ने इसे अलग कर दिया। प्रभो, लक्ष्मी के मद से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांध कर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो गई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा कर वो भगवान से बोली। विंध्यावली ने कहा, प्रभो, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग बुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप इसके कर्ता भर्ता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवनदाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभो, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब ये दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, ये धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। प्रभो, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ देता है और केवल दुर्वा दल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब ये दुख का भागी कैसे हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। ये जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता है। जब कभी मेरी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए, तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी ये मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपथ से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी, यहां तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा फटकारा और शाप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़वती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अतः मैंने इसे वो स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मन्वंतर में ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक ये विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसीलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी तथा भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे,
दानों और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वो मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। 23वां अध्याय, बलि का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलि ने कहा, प्रभो मैं तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की। इसी से मुझे वो फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की वो मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यों कहते ही बलि वरुण के पाशों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए हैं और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया है तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो ये कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी प्राप्त नहीं हुआ है, तब दूसरों की बात ही क्या है। अहो विश्ववंद ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं वही आप हम असुरों के दुर्गपाल के दीदार हो गए। शरणागत वत्सल प्रभो, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमारगामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जा सकती है। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़ भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया। फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजनों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, ब्रह्मन आपका शिष्य यज्ञ कर रहा है, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार के यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है उसके कर्म में कोई त्रुटि कोई विषमता कैसे रह सकती है, क्योंकि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। तथापि अनंत जब आप स्वयं ये कह रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वो आपकी आज्ञा का पालन करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि की आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्मर्षियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण कर दिया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था।
इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी, देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनंत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। परीक्षित, वेद समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बिठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिला और दूसरे वामन भगवान के करकमलों की छत्र छाया। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंदोत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत सिद्ध और विमानारोही देवगण भगवान के इस परम अद्वित एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और सबने अदिति की भी बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की ये लीला सुनाई, इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वो मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहां जहां भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वो कर्म सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। ये बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। 24वां अध्याय, भगवान के मत्स्यावतार की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूं। भगवान, मत्स्य योनि एक तो यूं ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुणी और असह्य परतंत्रता से युक्त है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह ये मत्स्य का रूप क्यों धारण किया? भगवान महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वो सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से ये प्रश्न किया तब उन्होंने विष्णु भगवान का वो चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यों तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म्य नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूर्लोक आदि सारे लोक समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्यावतार ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राजश्री केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया।
एक दिन वे राजश्री कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे, उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाली जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो उठी हूँ। आप मुझे फिर इसी नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं, इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वो मछली उस कमंडलू में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही न रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडलू में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दे जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर वो मछली दो ही घड़ी में तीन हाथ और बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब ये मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूं, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वो थोड़ी ही देर में वहां भी इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूं, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अट्टू जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुक्त हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो न मैंने कभी देखा था और न सुना था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, अविनाशी श्रीहरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभो, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीलावतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होता है, तथापि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। कमल नयन प्रभु, जैसे देहादि अनात्म पदार्थ में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा है। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, ये बड़ा अद्भुत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपत्ति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजश्री सत्यव्रत की प्रार्थना सुनी, तो उनका प्रिय और हित करने के लिए साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से सातवें दिन भूर्लोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना।
उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा, केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने उन्हें आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजश्री सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वो समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है, प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे हैं, देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य और अन्य बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उस समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार था 4,00,000 कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी, उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभो, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविधा से ढक गया है, इस कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। ये जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। वो सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है, जिसकी सेवा से उसका ये अज्ञान नष्ट हो जाता है। वे ही मेरे परम गुरु, आप मेरे हृदय की गांठ काट दें। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के परम गुरु हैं, अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश के बराबर भी नहीं कर सकते। प्रभो, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वरण करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है, वो तो अज्ञानी है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है, परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोध ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोक के सुहृदय, प्रियतम ईश्वर और आत्मा हैं। गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अधिष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में ही विराजमान हैं। आप देवताओं के भी आराध्य देव, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्मतत्व का उपदेश दिया। भगवान ने राजश्री सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश दिया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेश रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजश्री सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी, उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुरा कर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मार कर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। इति अष्टम स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत। श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद पहला अध्याय। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुधुम्न की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ईश्वर पूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजश्री सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्रह्मन, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हैं, इस समय विद्यमान हो और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने ये कहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम मनुवंशज का वर्णन संक्षेप में सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे, ये विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ, उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन में मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप, उनकी धर्म पत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शरयाति, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषद्र, नभग और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाले वैवस्वत मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब अधवर्युकी की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्र से वष्टककार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर ईला नामक कन्या हुई।
उसे देखकर श्राद्ध देव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो सकता है? अरे ये तो बड़े दुख की बात है, वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रियां भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का ये उल्टा फल कैसे हुआ? परीक्षित, हमारे वृद्ध प्रपितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी ये बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है, इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा, राजन तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठाक पूरा नहीं हुआ, फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके इस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वो कन्या ही सुद्धुम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुद्धुम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुद्धुम्न कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष और अत्यंत अद्भुत वाण लेकर हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुद्धुम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करने पर ही वीरवर सुद्धुम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गई हूं और घोड़ा घोड़ी हो गई है। परीक्षित, साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने उसे ऐसा बना दिया? आप कृपा करके हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुत्र इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुद्धुम्न स्त्री हो गई थी, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचर कर रही है। उन्होंने इच्छा की कि ये मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्रकुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुद्धुम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुद्धुम्न की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुद्धुम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी सत्य रखते हुए भी ये बात की, वशिष्ठ तुम्हारा ये यजमान एक महीने तक पुरुष रहेगा और एक महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुद्धुम्न इच्छानुसार पृथ्वी पर पालन करें। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभिष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुद्धुम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके तीन पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित, वे सब दक्षिणापथ के राजा अवीक्षित। महाराज परीक्षित, अवीक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। ये यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर और सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोम पान करके मतवाले हो गए थे
और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम, दम से राज्यवर्धन, उससे सुधृति और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा त्रिणबिंदु का जन्म हुआ। त्रिणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे, अप्सराओं में श्रेष्ठ। अलंबुषा देवी ने उनको वरण किया जिससे उनके कई पुत्र और इड़विड़ा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर, विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्यजी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इड़विड़ा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। महाराज त्रिणबिंदु के अपनी धर्म पत्नी से तीन पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयम से दो पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज। कृशाश्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब त्रिणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। तीसरा अध्याय, महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा शरययाति का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनुपुत्र राजा शरययाति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शरययाति अपनी कन्या के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बॉबी दीमकों को एकत्र की हुई मिट्टी के छेद में जुगनू की तरह दो ज्योतियां दिख रही हैं। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी कि सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेध दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा शरययाति के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजश्री शरययाति को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया। अपनी कन्या की आवाज सुनकर शरययाति घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बॉबी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वो उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमपान का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है। और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था, सब ओर नसें दिख रही थी। झुर्रियां पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से तीन पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा
कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पतिव्रत से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शरयाति च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शरयाति ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, दुष्टे, ये तूने क्या किया? क्या तूने सबकी वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया, और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, ये उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा ये व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। राजा शरयाति के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही है। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वो सब सुनकर राजा शरयाति अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर शरयाति से सोमयज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठे, इसलिए उनसे यह सहा न गया। उन्होंने चिढ़कर शरयाति को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित, शरयाति के तीन पुत्र थे, उत्तान बरही, आनर्त और भूर्य शेर। आनर्त से रेवत हुए। महाराज, रेवत ने समुद्र के भीतर कुश स्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे ककुद्नि। ककुद्नि अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके साथ वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र, पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम ही नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान है। राजन, उन्हीं नवरत्न को ये कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिसके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकुद्नि ने ब्रह्मा जी का ये आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से ये नगरी छोड़ दी थी और जहां तहां यूं ही निवास कर रहे थे। राजा कुकुद्नि ने अपने सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्री वन की ओर चल दिए। चौथा अध्याय, नाभाग और अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। जब वो दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई के हिस्से में केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी को हम तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिताजी से जाकर कहा,
पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा उनकी बात न मानो। देखो ये बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी दो सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें ही दे देंगे, इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। उन अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वो सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है इसलिए मेरा। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग ये निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा रहता है वो सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वो धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभो, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं, मेरे पिता ने ऐसा कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ है, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूं। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो, अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूं। यहां यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है ये धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूं, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्रचित से अंग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी, उनके यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते थे तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान किया करती थी। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे, इसलिए उन लोगों को वो भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थी। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन स्वरूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुरुष, भाई बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं पैदलों की चतुरंगिणी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुएं तथा कभी समाप्त न होने वाले कोषों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सब के सब असत्य हैं। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए एक वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और 1 दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अर्ध आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे, तथापि राजा अम्बरीश ने भक्तिभाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। उन गौओं के सींग सुवर्ण से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे।
सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए गए थे। वे गवें बड़ी सुशील छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। उनके साथ दूहने की उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है। इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूं। ऐसा निश्चय करके मनी मन भगवान का चिंतन करते हुए राजश्री अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित, वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है, वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। भौहों के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो देखो तो सही, ये कितना क्रूर है, ये धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इससे छू तक नहीं गई है और ये अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यों कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वो प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वो आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र का नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए उसी की ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल और नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग में गए। परंतु जहां जहां वे गए, वहीं वहीं उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला, तब वे और भी डर गए। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी दो प्रारब्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी ये सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भूभंग मात्र से ये सारा संसार और मेरा ये लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों से बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं है।
जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधि भूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिसमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उस प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। मैं सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी तथा मरिच आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। ये चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, ये हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा भगवान के परमधाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वहीं निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे, वे कांपते हुए भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय है। प्रभु, विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नार की जीव भी मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे सादे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे, ब्रह्मन, अपने भक्तों को एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसीलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को, जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन यह लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर देते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी हृदयों का हृदय मैं स्वयं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। दुर्वासा जी, सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वालों का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विधा परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो, आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। पांचवा अध्याय, दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभो सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंचतन मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर एवं सत्यवाणी हैं, आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति एवं स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी हैं।
आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। सुनाब, आप समस्त धर्मों के मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मणि के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश के अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधिपूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्ज्वल चरित्र का गान करेंगी। ये पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमय कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक एक वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पी के रह रहे थे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों का उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे, अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान की भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे।
उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्म लोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का ये परम पवित्र आख्यान है, जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वो भगवान का भक्त हो जाता है। छठा अध्याय। इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, बांधाता और सौभरी ऋषि की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के तीन पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पृषदक्ष और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था, फिर भी वे अंगिरा रस ही कहलाए। यही रथितर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत्र ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्र से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्ष, नीम और दंडक। परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्यम भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण तथा अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुक्ष ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग बहुत से पशुओं का शिकार किया। वो थक तो गया ही था, भूख भी लगाई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं नहीं खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुक्ष ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरु ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरु जी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ के ज्ञान विषयक विषय की चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुक्ष अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुक्ष के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवा और कोई कुकुत्सित कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उनके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सत्ययुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूं। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके कुकुद डील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं का साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने वाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके वाणों की वर्षा क्या थी? प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उस राजश्री को पुर जीतने के कारण पुरंजय
इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के कुकुद पर बैठने के कारण कुकुत्स कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र पृथु हुआ, पृथु के विश्वरंध, उसके चंद्र और चंद्र के युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र हुए शाबस्त, जिन्होंने शाबस्तीपुरी बसाई, शाबस्त के बृहदाश्व और उसके कुवल्याश्व हुए। ये बड़े बलि थे, उन्होंने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए, केवल 3 ही शेष बचे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे धृड़ाश्व, कपिलाश्व एवं भद्राश्व। धृड़ाश्व से हर्यश्व और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के भरणाश्व, उसके कुशाश्व, कुशाश्व के सेनजित और सेनजित के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। युवनाश्व संतानहीन था, इसलिए वो बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहाँ ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वो यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का कोई उपाय न देखकर उसने वो मंत्र से अभिमंत्रित जल पी लिया। परीक्षित, जब प्रातः काल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा कि ये किसका काम है, पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया। अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश्व ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है भगवान, का बल ही वास्तव में बल है। इसके साथ प्रसव का समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देखकर ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा। तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ धाता, बेटा तू रो मत, ये कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई, वो वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु, क्योंकि रावण और दस्यु उससे उद्विग्न और भयभीत रहते थे। युवनाश्व के पुत्र मानधाता चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 दीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उस यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश, सर्वदेव स्वरूप, सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत है। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, धर्म, देश और काल, ये सब का सब भगवान का ही स्वरूप ही तो है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ से अस्त होते हैं, वो सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उसके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचुकुंद। उनकी 50 बहनें थीं। उन 50ों ने अकेले सौभरि ऋषि को पति के रूप में वरण किया। परम तपस्वी सौभरि जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्य राज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौभरि के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं से एक सुंदर कन्या मांगी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सौभरि ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगे हैं, अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए ललायत हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभरि जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षक ने सौभरि मुनि को कन्याओं से सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50ों राजकन्याओं ने एक सौभरि को ही अपना पति चुन लिया।
उन कन्याओं का मन सौभरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगे और एक दूसरे से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का पाणिग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित, अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सौगंधिक पुष्पों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादि भोजन और पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौर गुंजर करते रहते और कहीं कहीं वंदी जन उनकी वृंदावली का बखान करते रहते। सप्त दीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता सौरभ जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व था कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूं। जाता रहा इस प्रकार सौरभ जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौरभ जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था। मेरा ये अधः पतन तो देखो, मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा यह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिससे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वो भोगी प्राणियों का संग सर्वदा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5,000। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों में मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे, फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौरभ जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आह्वनीय एवं अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। 7वां अध्याय, राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूं कि मानधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा योनाश्य ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ यवनाश्य स्वरूप में स्थित हो गए, जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान ही लगा।